स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर दोगुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। 11 सितंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुए थे, जिसमें दोगुना में शामिल सभी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने थे। अभी तक डिपार्टमेंट के द्वारा 75% यानी कि 3/4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, यानी कि अभी तक जो भी शेड्यूल जारी हुए हैं उसमें 75% अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस अपने अंतिम चरण में है, जिसमें कि आज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके अलावा नेक्स्ट वीक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। आप सभी जानते हैं अगले वीक में 22, 23 और 24 अक्टूबर को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने थे, लेकिन CET एग्ज़ाम के कारण वे अभ्यर्थी जो कि CET एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है उसे रीशेड्यूल करवाना चाहते हैं, उन सभी से यहाँ पर आवेदन मांगे गए थे। और पूरी उम्मीद है कि आज की डेट में उनके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रीशेड्यूल किया जाएगा तो वो लिस्ट यहाँ पर जारी हो सकती है, यानी कि आज DTA के द्वारा उन अभ्यर्थियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रीशेड्यूल करवाने के लिए आवेदन किया था। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक नई डेट यहाँ पर मिलने वाली है और उम्मीद यही है कि दिवाली से पहले उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। वैसे ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा नहीं है, यानी कि इन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 या 2 दिन में कम्प्लीट होगा। तो उम्मीद यही बनती है कि आने वाला जो नेक्स्ट वीक होगा, यानी कि अभी जो वीक आने वाला है उसके अगले वीक में यहाँ पर उन अभ्यर्थियों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम्प्लीट करवा लिया जाएगा, यानी कि दिवाली से पहले लगभग सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो चुका होगा। और उसके बाद दिवाली के बाद आपके उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जो कि अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अनुपस्थित रहे थे, या फिर जिनको प्रोविजनल किया जा रहा है और जिनके अंतिम समय में प्रोविजनल हो रहे हैं, यानी कि अब जो यहाँ पर अभ्यर्थी प्रोविजनल होंगे और जिन्हें लगभग 1 वीक का समय यहाँ पर दिया जाएगा, उन अभ्यर्थियों को दिवाली के बाद बुलाए जाने का यहाँ पर अनुमान है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी यहाँ पर नज़र आती है और अब डिपार्टमेंट के द्वारा उन अभ्यर्थियों को समय समय पर बुलाया जाता है, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से भी अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा करवाने नहीं जाते हैं, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी होती है, फिर भी उन अभ्यर्थियों के द्वारा जब उन्हें बुलाया जाता है तब वे नहीं जाते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों की भी यहाँ पर अब लिस्ट निकाली जा रही है जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं कमी रही है। तो कल ही आपको DTA के जो वेबसाइट है उस पर एक नोटिफिकेशन और एक छोटी सी लिस्ट दिखाई दी होगी, जिसमें उन कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले दिन था, यानी कि 11 सितंबर को था, जिनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी रह गई है, उन अभ्यर्थियों को अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उस ऑर्डर की। यह ऑर्डर आपने कल देखा होगा जिसमें कि 11 सितंबर 2024 को हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी पाई गई है उन अभ्यर्थियों को अब यहाँ पर 23 तारीख को बुलाया गया है, यानी कि 23 अक्टूबर को उन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इसमें उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर और उनके किस डॉक्यूमेंट में कमी है उसकी भी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। जैसे कि एक रोल नंबर है, इनके पास कंप्यूटर योग्यता का प्रमाण पत्र यानी कि जो RS CIT है वो विज्ञप्ति के अनुसार नहीं है, यानी कि हो सकता है उन्होंने RS CIT के अलावा अगर कोई दूसरा यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिया है तो उनसे यहाँ पर RS CIT का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कमी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी कमी के कारण अभ्यर्थियों को भी बुलाया जा रहा है और बाद में इन्हें प्रोविजनल भी किया जा सकता है अगर इनके द्वारा डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए गए। इसके अलावा संतान संबंधी घोषणा पत्र है, यानी कि वे कैंडिडेट जिनकी शादी हो चुकी है और जिन्हें यहाँ पर संतान संबंधी घोषणा पत्र देना था तो उन्होंने उस प्रारूप में यहाँ पर नहीं दिया है, जिसमें कि लिखा जाता है कि 2002 से पहले उनके कितनी संतान थी और उसके बाद कितनी है और कुल कितनी संतान है। इसका एक फॉर्मेट है जो आपको इसी PDF के अंत में देखने को मिलेगा, आपको DTA की साइट पर जाके उस PDF को डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा एक अभ्यर्थी जिसके अंक तालिका में पिता के नाम में वर्तनी है, इसके बारे में हमने कई बार बात की है, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी नाम में यानी कि आपके नाम में या आपके पिताजी के नाम में या माताजी के नाम में कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो आपको उसका एफिडेविट बनाना होगा, तो वही यहाँ पर मांगा गया है। 3 नंबर जो कैंडिडेट है इनसे इसी का शपथ पत्र मांगा गया है। इसके अलावा जो 4th नंबर पर है इनसे भी यहाँ पर कंप्यूटर योग्यता यानी कि जो RS CIT है उसमें भी स्पेलिंग में दिक्कत है, उसके लिए मांगा गया है। साथ ही कई बार हमने बात की है जो कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट होता है अगर वो 1 साल से पुराना है, यानी कि जो 26 जुलाई 2023 से अगर हम उसके पीछे 1 साल चले, अगर उसके बीच का नहीं है तो आपको यहाँ पर एक 5 पॉइंट वाला फॉर्मेट बनाना होता है शपथ पत्र, अगर आप वो नहीं देते हैं तो आपसे वो मांगा जाता है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं 4 नंबर पॉइंट पर इनसे वही
प्रारूप यहाँ पर मांगा गया है। इसी तरीके से यहाँ पर विभिन्न अभ्यर्थियों के द्वारा यही चीज़ें मांगी गई है। तो आप देख सकते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी यहाँ पर एफिडेविट लगाना पड़ रहा है। तो अभी भी जो अभ्यर्थी अभी भी शेष रह गए हैं, यानी कि जो अभी भी 25% अभ्यर्थी शेष रहे हैं, अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और उनके डॉक्यूमेंट में यहाँ पर कोई भी कमी है, छोटी सी भी अगर कोई मिस्टेक है, चाहे नाम में हो, चाहे रोल नंबर में हो या डेट ऑफ बर्थ में हो, अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो उन्हें एफिडेविट ज़रूर अपने साथ बनाकर ले जाना होगा, वरना उन्हें यहाँ पर बार बार परेशान होना पड़ सकता है। क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे देखे गए हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर वापस अपने घर लौट आते हैं और उसके बाद जो है एक या दो दिन बाद कॉल आता है तो इन्हें वापस जो है जयपुर जाना पड़ता है। तो इससे अभ्यर्थी भी काफ़ी परेशान होता है। तो पहले ही जो है आप अपना यहाँ पर एफिडेविट, आपको जहाँ पर भी छोटी सी मिस्टेक लगती है अपना एफिडेविट बना कर ले जाइए, जिससे कि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें आने वाले समय में जिन भी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि उन्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आए। साथ ही वे अभ्यर्थी जिनका कि सीईटी के कारण उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रीशेड्यूल करवाया है, उनका रीशेड्यूल आज जारी हो सकता है, यानी कि आज जारी होने की संभावना है, क्योंकि आज इस वीक का लास्ट वर्किंग डे है। इसके बाद 21 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 22, 23 और 24 तारीख को वैसे भी सीईटी का एग्ज़ाम है। तो आज के डेट में यहाँ पर आपका रीशेड्यूल जारी होने की पूरी संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका जो केस हियरिंग है, 5 नवंबर को आपके कोर्ट केस की हियरिंग होनी है, जिसमें कि आपके फाइनल रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ है। वे अभ्यर्थी जो कि दोगुना में शामिल हो गए हैं, जिन्हें फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद है या वे अभ्यर्थी जिन्हें कट ऑफ का इंतज़ार है, उन सभी अभ्यर्थियों के द्वारा काफ़ी यहाँ पर एफर्ट किए गए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पर बोर्ड के द्वारा आपकी जो 5 नवंबर को हियरिंग होने वाली है इसमें एक मजबूत पैरवी करवाई जाए। साथ ही उसी दिन अगर यहाँ पर स्टे हटे तो काफ़ी बेहतर होगा। अगर ऐसा नहीं भी होता है, आने वाली डेट मिलती है, तो जो आगे जो भी डेट मिलती है वो जल्द से जल्द मिले और उस दिन जो है यहाँ पर फाइनल रिजल्ट से आपका स्टे हट जाए, ताकि नवंबर के एंड तक आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो। और पूरी संभावना यही है कि 1 जनवरी या उससे पहले आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाए। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की है जूनियर अकाउंटेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब अंतिम चरण में चल रहा है। काफ़ी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में जो भी कमी रह जाती है उसके कारण उन्हें यहाँ पर फिर से कॉल करके बुलाया जाता है। अगर कमी ज़्यादा बड़ी होती है तो उन्हें प्रोविजनल भी किया जाता है, जिसके बारे में हमने कई बार बात की है कि प्रोविजनल रहने के 3 सबसे इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। एक तो आपकी ग्रेजुएशन एग्ज़ाम डेट से पहले की होनी चाहिए, RSCIT आपके एग्ज़ाम डेट से पहले का होना चाहिए, साथ ही जिस भी आप कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट, नहीं तो एक वैलिड एफिडेविट ज़रूर होना चाहिए। इन 3 कारणों के अलावा ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे कि अभ्यर्थियों को यहाँ पर बाहर किया जाता है। एक कारण यहाँ पर जो सबसे बड़ा है वो ये है कि अगर अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेज यहाँ पर अगर प्रस्तुत करता है तो उसे यहाँ पर बाहर किया जाता है। और बाहर करने का मतलब ये है कि आगे आने वाले समय में बोर्ड के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे भी उसे डिबार किया जाता है। तो उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर वो फर्जी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, तो अगर उससे बचना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने जाए तो ये बेहतर होगा। इसके अलावा DTA के द्वारा आज CET रीशेड्यूल, यानी कि जो CET के कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रीशेड्यूल हुआ है, उसका नोटिफिकेशन आज शाम तक जारी हो सकता है। साथ ही आपका जो 5 नवंबर को केस हियरिंग है, इसमें अभ्यर्थियों को अभी भी प्रयास जारी रखने हैं और पूरा प्रयास यही करना है कि 15 नवंबर से पहले पहले आपके फाइनल रिजल्ट से स्टे हट जाए, जिससे कि नवंबर एंड तक तो आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी हो और उसके बाद जो है 1 जनवरी या उससे पहले आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो सके। तो यह था हमारा वीडियो, इसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई भी प्रश्न हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।